दोस्तों, इस देश के जो बुजुर्ग हैं वो हौसला हारने वालों में से नहीं है। आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है। जिस दौर में बुजुर्ग जो है लोग अपने घर पे बैठ जाते हैं, उस दौर में इस देश के जो बुजुर्ग है वो नए युवा की पहचान बने हुए हैं। जी हाँ, तमाम समस्याओं के बाद भी बुजुर्ग अपनी मांगों के लिए अडिग हैं और संघर्षरत हैं, संघर्ष जारी रखे हुए हैं। इसी कड़ी में एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रहा है। केंद्रित नेतृत्व आह्वान करता है संगठन अपना प्रत्याशी खड़ा करेगा। आपको बता दें कि यह जो है न्यूज़, इसको प्रिंट मीडिया ने कवर किया हुआ है जबकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें कहा जाता है कि राष्ट्रीय संघर्ष समिति बरेली मंडल की नियमित मासिक मीटिंग के पुराने बस डे पर बरेली में सर्वश्री गंगा प्रसाद लोधी कार्यालय मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें काफ़ी संख्या में PS 95 पेंशन उपस्थित हुए हैं। सभा का संचालन GP मल्होत्रा ने किया। सभा को RS गुप्ता, महेश कुमार अग्रवाल, वेदपाल सिंह, दीनानाथ, शिशुपाल सिंह, उमेश चंद्र जौहरी, SK तिवारी, भारती, मक्खन लाल आदि वक्ताओं ने संबोधित किया। महेश कुमार अग्रवाल ने कहा कि यह हमारा दुर्भाग्य है कि हमारी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु शासन और प्रशासन स्तर पर कार्यवाही के चलते आचार संहिता लागू होने में व्यवधान उत्पन्न हो गया है। परिस्थिति बस हमारा काम चुनाव के उपरांत ही हो पाएगा, किंतु हम निराश हताश नहीं है और ना ही संघर्ष ढील दी जाएगी। अध्यक्ष उद्बोधन में गंगा प्रसाद ने लोधी ने कहा कि हमारा राष्ट्रीय संघर्ष जारी रहेगा और जारी है और रहेगा। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यदि केंद्र नेतृत्व आह्वान करता है तो संगठन अपना प्रत्याशी खड़ा करेगा। हमारी अगली नियमित बैठक चुनाव के उपरांत अर्थात आचार संहिता हटने के बाद 19 तारीख को होगी, जो इस बीच केंद्रीय नेतृत्व द्वारा घोषित निर्देशित कार्यक्रम के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा और सभा का विसर्जन किया गया। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक था और इसमें महत्वपूर्ण बात यहाँ पर आपने नोटिस किया होगा कि अगर संगठन आह्वान करता है तो केंद्र नेतृत्व आह्वान करता है तो जो है अपना प्रत्याशी भी खड़ा करेंगे। तो अब देख सकते हैं किस हिसाब से जो पेंशनर्स हैं उनके हौसला जो है बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं है। वो लड़ने के लिए अभी भी तैयार हैं और अपनी मांगों के लिए, अपनी जायज़ मांगों के लिए संघर्ष उनका जारी है। इस वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नई जानकारी फिर आज होंगे।